हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किंग्स आर्मी से मैक और आज हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A50 का गेमिंग टेस्ट। बेसिकली ये पबजी टेस्ट होगा। तो ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी A50। ये 4GB रैम वाला वेरिएंट है। इसमें हम पबजी को फुल ग्राफिक्स पर और लो ग्राफिक्स पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों ग्राफिक्स पर ये फ़ोन कैसी परफॉर्मेंस देता है। ज़्यादातर फ़ोनों में हीटिंग की और लैगिंग की प्रॉब्लम होती है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये फ़ोन हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए सही है या नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम खेलेंगे 2 TDM मैचेस, पहले फुल ग्राफिक्स में ट्राई करेंगे। तो चलते हैं सेटिंग में और ग्राफिक्स को कर लेते हैं हाई। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्ट्रा HDR तो अभी तक आया ही नहीं, तो हम खेलेंगे HDR में और फ्रेम रेट होगा अल्ट्रा। तो सेटिंग को कर लेते हैं ओके, और जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं Anti-Aliasing भी ऑन है। तो हो गए हैं ग्राफिक्स फुल और कर लेते हैं मैच को स्टार्ट। Anti-Aliasing से पिक्सल्स तो हमें क्लियर नज़र आते हैं, लेकिन ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, बस यही एक प्रॉब्लम है इसमें। तो हो चुका है मैच स्टार्ट, तो देखते हैं क्या कमाल करेगा ये फ़ोन। ओ भाई, बंदे तो अभी तक आए भी नहीं और अभी से ये लैग कर रहा है। ओ गाइस, देखा आपने, HDR में तो इसमें नहीं खेल सकती, ये बहुत लैग कर रहा है। स्मूथ तो दूर, ये ठीक से चल भी नहीं रहा है, एक एक फ्रेम अटक रहा है इसमें। तो HDR में तो नहीं खेल सकते भाई। इसमें सैमसंग का ही एक्जिनोस का प्रोसेसर है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है। देख रहे हो ना गाइस, HDR में तो आप नहीं खेल सकते, हाँ लेकिन HD में ट्राई कर सकते हो, HD में ठीक चलेगा। और हाँ, ध्यान देना, मैं ठीक कह रहा हूँ, स्मूथ नहीं चलेगा HD में भी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं HDR में तो इसमें खेलना बहुत मुश्किल है, एक एक फ्रेम उसका लैग कर रहा है। तो अगर से आप PUBG को हाई ग्राफिक्स पर खेलना चाहते हो, तो मेरी राय तो ये है कि आप A50 बिल्कुल भी मत लेना।
वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम HDR में खेल रहे हैं और गेम लैग भी कर रहा है, लेकिन ये फ़ोन उतना हीट हो नहीं रहा। थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा गर्म हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल HDR में तो हम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, गेम को बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो हाई ग्राफिक्स गेमिंग के लिए नहीं बना है ये फ़ोन। तो हो गया है मैच एंड, और सच कहूँ तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत ज़्यादा लैग और फ्रेम ड्रॉप्स थे। तो चलिए ट्राई करते हैं स्मूथ ग्राफिक्स और देखेंगे कि फ़ोन की परफॉर्मेंस स्मूथ ग्राफिक्स पर कैसी होगी। तो चलते हैं सेटिंग में और कर लेंगे ग्राफिक्स को स्मूथ और फ्रेम रेट को मेरे हिसाब से तो हाई पर ही रखना चाहिए, क्योंकि ये मीडियम है, ना ज़्यादा है और ना कम है। तो हम फ्रेम रेट हाई यूज़ करेंगे और इसमें भी देख सकते हैं आप एंटी अलियासिंग ऑन है। तो सेटिंग को कर लेते हैं ओके और चलते हैं मैच की तरफ। तो कर लेते हैं मैच स्टार्ट। ओ भाई क्या बात है, कहाँ जाना है भाई इतना उछल उछल कर। तो गाइस स्मूथ ग्राफिक्स पर तो बहुत बढ़िया चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, और मैं खेल भी रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि HDR से तो बहुत बेहतर चल रहा है। ज़रा सा भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है और लैग तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वो बात और है कि मैं नुबड़े की तरह खेल रहा हूँ और मेरा गेम प्ले बहुत ही बेकार है, लेकिन फ़ोन ने स्मूथ ग्राफिक्स पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ज़रा सा भी लैग और फ्रेम ड्रॉप महसूस नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि लो ग्राफिक्स पर एकदम बेस्ट है ये फ़ोन, लेकिन हाई ग्राफिक्स पर नहीं खेल सकते। Thank you.
तो जीत गए हैं हम ये मैच हमारे टीममेट्स की बदौलत। अब कर लेते हैं साइड बाय साइड का व्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राइट साइड पर है HDR और लेफ्ट साइड पर है स्मूथ। तो देख लो गाइस कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में भी। HDR में एक एक फ्रेम अटक रहा है लेकिन स्मूथ में देख लो कितना स्मूथ चल रहा है। हीटिंग का उतना इशू नहीं है बट इस फ़ोन का प्रोसेसर हाई ग्राफिक्स गेम का लोड उठाने के लिए नहीं बना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइस ऐसे ही कंटेंट और देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।